हेलो दोस्तों, मेरा नाम सुमित है और मैं आपको रेना स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के लिए मैथमेटिक्स करा रहा हूँ। पिछले वीडियो में हमने मैट्रिक्स के ऊपर कुछ बेसिक ऑपरेशन अप्लाई किए थे और उसके बाद सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स पढ़े थे। अब हम सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को दोबारा करने वाले हैं और उससे रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट थ्योरम्स भी। चलो देखते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स वो होते हैं जिसमें कोई भी ए मैट्रिक्स है वो सिमेट्रिक तब होगी जब ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उस मैट्रिक्स के बराबर होगा। इसी केस में मैट्रिक्स इक्वल हो सकती है और ये कंडीशन फुलफिल होगी तब ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक होगी। और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या पढ़ा था हमने, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में हमने पढ़ा था कि कोई भी मैट्रिक्स, ये कोई मैट्रिक्स है ए, जब वो ए मैट्रिक्स ट्रांसपोज उसके नेगेटिव ऑफ ए के बराबर आएगा तब जब ए मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। और इस मैट्रिक्स में एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि कोई भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी जो उसके डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो दोनों जीरो होंगे। यहाँ पे कोई भी चार माइनस चार कुछ भी हो सकता है तो ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी, ये दोनों डायगोनल्स जीरो होने चाहिए। डायगोनल एलिमेंट्स शुड बी जीरो। ओके, इसके बाद हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम्स जो सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स से रिलेटेड है। पहला पॉइंट है कि कोई भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स का सम हमेशा सिमेट्रिक होगा। सम ऑफ टू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज आल्सो अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, कोई भी दो मैट्रिक्स का हम सम करेंगे तो उनका सम सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। जैसे कि कोई ए डैश ए के बाद ये कोई सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और बी डैश बी, ये भी दो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और बी। अब हम इनका सम करते हैं तो ए प्लस बी सम करते हैं और ट्रांसपोज करते हैं तो क्या आएगा, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज क्या इसके बराबर होगा, ये ए प्लस बी दो मैट्रिक्स का सम उनकी सम के बराबर होगा और ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक होगी। ओके, जैसे कि मैं इसको रिपीट कर देता हूँ, कोई भी दो मैट्रिक्स है, एक मैट्रिक्स ए है और एक मैट्रिक्स बी है, ये दोनों सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं। अब इन का सम करते हैं तो ए प्लस बी, ये भी ए प्लस बी, ये दोनों सिमेट्रिक मैट्रिक्स होंगे। हम इसको सोल्व करते हैं, हम ए और बी को सम करके इसका ट्रांसपोज करते हैं तो वो इसको आगे सोल्व करते हैं तो ए डैश प्लस बी डैश आएगा। इसको ओपन कर दे, ओपन करने पर और फिर आपका ए डैश और बी डैश ए और बी के बराबर है, यहाँ पे
दिया हुआ कि ये दोनों सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, इसलिए ये ए प्लस बी भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गई। उसके बाद दूसरी थ्योरम है कि सम ऑफ टू स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज आल्सो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सम ऑफ टू स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज स्क्यू सिमेट्रिक। जैसे कि इसको प्रूव करते हैं, कोई भी ए मैट्रिक्स है वो तब स्क्यू सिमेट्रिक होगी जब वो माइनस ए के बराबर होगी, कोई भी मैट्रिक्स है तो स्क्यू सिमेट्रिक होगी जब वो माइनस बी के बराबर होगी। तो अब हम इन दोनों मैट्रिक्स सम करते हैं। अब ये चेक करते हैं कि ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है नहीं, तो हम इसका ट्रांसपोज करेंगे। इसको ओपन करेंगे तो क्या आएगा, ए डैश प्लस बी डैश, और ए डैश और बी डैश किसके बराबर है, माइनस ए और माइनस बी के बराबर। अब इसको माइनस ए कॉमन निकालते हैं तो ए प्लस बी। आप देख सकते हैं कि जो ये मैट्रिक्स है ये कोई भी जैसे कि पी डैश माइनस पी के बराबर है, तो ये मैट्रिक्स क्या हुई, स्क्यू सिमेट्रिक। ओके, अब हम एक और सिमेट्रिक मैट्रिक्स के ऊपर थ्योरम करते हैं। कोई भी दो मैट्रिक्स हैं ए और बी, ये दोनों सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं। सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इन दोनों सिमेट्रिक मैट्रिक्स का प्रोडक्ट ए बी वो भी सिमेट्रिक होगा अगर ए बी इक्वल टू बी ए होगा। चलो इसको प्रूव करते हैं कैसे। जैसे कि हमें ये प्रूव करना है कि कोई ए बी का सिमेट्रिक, ए बी सिमेट्रिक होगी, इसका ट्रांसपोज लेते हैं और वो किसके बराबर होना चाहिए, ए और बी के, ये अगर सिमेट्रिक होंगे तो। ठीक है, तो ए ए और बी का ट्रांसपोज कितना होगा, ए सॉरी बी डैश ए डैश किसके बराबर होना चाहिए, ए बी के। ठीक है, और बी डैश कोई भी दो सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं, ए डैश इसके बराबर होगी ए के बराबर, और बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो बी डैश इसके बराबर होगी बी के बराबर। सो यहाँ से इसमें पुट करते हैं तो बी डैश क्या होगा ए, ए डैश क्या होगा बी, ए बी इक्वल टू ए बी। तो यहाँ से प्रूव होगा कि जो ए बी डैश है वो ए बी के बराबर है, मतलब ए बी कोई मैट्रिक्स है वो सिमेट्रिक है। ठीक है, चलो अब हम अगली थ्योरम देखते हैं। अगली थ्योरम क्या कहती है, अगली थ्योरम कहती है कि कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स, कोई ए मैट्रिक्स है वो स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो ए प्लस ए का ट्रांसपोज ये क्या होगा, ये सिमेट्रिक होगा, और दूसरा पॉइंट क्या है इसमें, ए और माइनस ए का ट्रांसपोज स्क्यू सिमेट्रिक होगा। हरियाणा में इनके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, बस हमें उनकी तरफ ध्यान देना चाहिए, हमें इसके ऊपर कोई लेंथी क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है। तो इसलिए आपको थ्योरम करा रहा हूँ तब आपको याद रहे, क्योंकि इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि
कोई मैट्रिक्स ए है या पी है, उसका ए प्लस ए डैश क्या है, सिमेट्रिक है, स्क्यू सिमेट्रिक है, स्क्वायर मैट्रिक्स, कुछ और भी है, तो आप उसको आंसर दे सकेंगे कौन सी मैट्रिक्स है। ठीक है, तो हम इसको थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि ये कैसे सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। कोई भी जैसे कि ए मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स है, ए प्लस ए डैश, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स तब होगी जब इसका ट्रांसपोज इसके बराबर होगा, ए प्लस ए ट्रांसपोज के। ठीक है, कोई ये मैट्रिक्स है सिमेट्रिक जब होगी जब इसके ए प्लस ए के बराबर होगा। अब इसको सोल्व करते हैं तो क्या आएगा, ए डैश प्लस ए डैश का डैश इक्वल टू ए प्लस ए डैश। ठीक है, अब ए ट्रांसपोज प्लस में ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज कितना होगा, ए, और किसके बराबर आ गया, ए प्लस ए डैश के। ये दोनों इक्वल कंडीशन है तो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब सेकंड क्या थी कि कोई मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक ए माइनस ए डैश स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। अगर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी तो इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज किसके बराबर होना चाहिए, माइनस ए माइनस ए डैश की। ओके, अगर ये मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो माइनस ए माइनस ए डैश के बराबर होना चाहिए। ठीक है, इसको प्रूव कर लेते हैं, इसको ओपन करते हैं तो क्या आएगा, ए डैश माइनस ए डैश का डैश इक्वल टू माइनस ए माइनस ए डैश। ओके, आप इसमें देख सकते हैं कि ए डैश माइनस ए का ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ए आएगा, इसके बराबर होगा माइनस ए माइनस ए डैश के, या फिर ट्रांसपोज है। अब इनमें से हम माइनस कॉमन लेते हैं, माइनस कॉमन लेंगे तो क्या होगा, माइनस ए डैश प्लस ए माइनस ए माइनस ए डैश के बराबर होगा। अब ये देख सकते हैं दोनों इक्वल ही है, थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं इसको, एक उधर ले आते हैं। आप देख सकते हैं कि दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं, ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं, तो ये क्या हुआ, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, ये दोनों थ्योरम आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं यहाँ से, आपको ये दोनों थ्योरम याद होने चाहिए, क्योंकि ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, आपको ज़्यादा टाइम भी नहीं होता कोई लेंथी क्वेश्चन सोल्व करने का, तो आप डायरेक्ट क्वेश्चन को एक्सेस भी कर सकते हैं इजीली।